वेलकम स्टूडेंट्स, हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के रूल से क्वेश्चन हमारा ये है कि अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल हैज फूड फॉर 45 डेज, हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट इफ 20 मोर पीपल ज्वाइन देम। मतलब एक ग्रुप है 80 बंदों का, 80 पीपल्स का, ठीक है, 80 पीपल का, और उनके लिए जो फूड अवेलेबल है वो 45 डेज तक रह सकता है, ठीक है। अब अगर 20 बंदे और इनमें शामिल हो जाए, मतलब 100 बंदे हो जाएंगे, तो बताना यह है कि यही जो फूड है ये अब कितने दिन तक रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो फूड है हमारा वो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि मेन है जो आदमियों का एक ग्रुप है, और दूसरी तरफ जो है वो डेज है, टाइम है मतलब, ठीक है। तो अब बात यह है कि हमने ये देखना है कि ये कितने दिन रहेगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि 80 बंदे होंगे तो 45 डेज चलेगा, ठीक है। अब बंदों की तादाद बढ़ गई है, 20 और ऐड हो जाएं, अगर 80 में हम 20 और जमा कर लें तो ये हो गए 0, यहाँ पे आ जाएगा, और 8 और 2 ऐड होकर ये 100 बन गया, तो 100 पर्सन हो जाएंगे। मतलब इस क्वांटिटी में मेन में जो है वो चेंज, वो इंक्रीज आई है, चेंज आया और इंक्रीज आया। तो अब डेज जो है वो क्या कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? तो देखें, इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि एक बंदा जब होगा, फर्ज करें हर बंदा जो है वो दो रोटियां खाता है, तो एक बंदा अगर टू ब्रेड खा रहा है, ठीक है, तो फिर दो बंदे कितने खा लेंगे? चार। इसका मतलब कि जैसे जैसे बंदों की तादाद बढ़ेगी, जो फूड है वो हमारा मतलब वो हमें इस्तेमाल होगा, ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो अब ये फूड जो था वो इतने 80 बंदों के लिए था, 45 दिन के लिए। अब 100 बंदे आ गए तो अब ये 45 दिन नहीं चलेगा, अब ये 45 से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फूड इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसकी जो टाइम है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है और दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज आ गया है। तो इस किस्म की जो हमारे पास रिलेशन होता है, अगर हम दोनों की रेशियो को आपस में बराबर कर दें, तो जो प्रोपोर्शन बनेगी उसे हम कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमने चूंकि प्रोपोर्शन के ही रूल से इसे सॉल्व करना था, अब हम इन क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चंस की प्रोपोर्शन बना लेते हैं। हम इसमें लिखते हैं जी रेशियो के हिसाब से, चूंकि डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे, 100 की 80 के साथ रेशियो ली जाएगी जो एरो की डायरेक्शन है। अब यहाँ से डाउन आ रहा है एरो, इसका मतलब यहाँ पे अब हम 45 की रेशियो एक्स से ले लेंगे। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जिसमें जो ये मीन्स होते हैं 80 और 45, तो इनका जो प्रोडक्ट है और जो एक्सट्रीम्स हैं जैसे 100 और एक्स हैं, इनका प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम इक्वल कर देंगे, यहाँ पे ये लिख भी देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू, ये मीन्स हैं और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स के प्रोडक्ट में 80 और 45 आ गया, जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में हमारे पास 100 और एक्स आ गया। अब देखें, इसमें अगर हम एक्स को बिल्कुल सेपरेट करना चाहते हैं तो 100 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 1/100 मल्टीप्लाई करना होगा, या 100 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ 100 100 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 1 एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 0 इस 0 से कैंसिल। अब 5 के टेबल से अगर आप देखें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब नंबर जो बच गया 4 और यहाँ से 9, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 और 9 का प्रोडक्ट हम जानते हैं कि ये होता है 36। तो पता ये चला कि ये जो हमारे पास फूड है, अवेलेबल फूड है, वो अब 100 बंदों के लिए 36 दिन चल सकता है। तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं।